हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ बस में बैठ के अपनी मम्मी के पास। उनकी तबीयत सही नहीं है, आई एम विथ सैड, तो मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो अभी मॉर्निंग की बस है, तो अभी बस में कोई आया नहीं, आप देख सकते हैं बस अभी खाली पड़ी है। अभी और लोग आएंगे तब यहाँ से बस चलेगी, बस बिल्कुल खाली पड़ी है अभी। और अपनी लाइफ में सभी खुशी कभी गम लगा रहता है। अभी देखिए हम बर्थडे पे कितना खुश थे और सब सेलिब्रेशन चल रहा था सब कुछ, और अचानक से पता चला कि मेरी मॉम की तबीयत सही नहीं है। तो मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। आप लोगों को भी सबको ये एहसास होगा कि मॉम से रोड पर दुनिया में कौन होता है, तो मुझे बहुत मन कर रहा है उनसे मिलने का। तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, उनको देख के आऊँ कैसी हैं क्या। ओके फ्रेंड्स, बस स्टार्ट हो चुकी है और मॉर्निंग का टाइम है, तो बाहर कुछ कोहरा सा है तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी थोड़ा और उजाला हो जाएगा तब क्लियर दिखाई देगा बस के बाहर का। लेकिन बस अपनी स्पीड में आ चुकी है और बहुत तेज़ी से अपना सफ़र पूरा करने के लिए तैयार है। और बाकी यात्री भी आ चुके हैं बस में, सब बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पे। सब थोड़ा तेल निकल आया है, दिन हो गया है तो बाहर का क्लियर दिखाई दे रहा है बस में। अभी काफ़ी लंबा सफ़र बाकी है, सफ़र में तो आप ही लोगों से बात करके अपना टाइम पास कर रही हूँ। हालांकि मैं अंदर से बहुत सैड हूँ, बहुत टेंशन हो रहा था मम्मी का, क्योंकि मम्मी को हार्ट अटैक आया था। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, जो मेरी मम्मी अभी ठीक हैं और हम लोगों के बीच में हैं, वरना कुछ भी हो सकता था। आप लोगों से भी प्रार्थना है, अपने बड़े बूढ़ों का बहुत ख्याल रखिएगा, उन्हें ठंड से बचा के रखिएगा। थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के पास, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, काफ़ी बड़ा अस्पताल है।
क्या करना है क्या चीज़? हाँ हमारा लगे, मेरा डिस्चार्ज हो रहा है मोबाइल। तो फ्रेंड्स ये है रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज और काफ़ी बड़ा है, बहुत ही साफ सफाई है बरेली का रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज। अभी यहाँ पे पेशेंट बहुत कम है, यह है ओरल सर्जरी वार्ड। काफ़ी बड़ा है, बहुत सुविधाएं हैं, नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से इलाज चलता है सारे पेशेंट्स का। और मेरी मम्मी इस वार्ड में एडमिट हैं। आप लोग दुआ करना कि मेरी मम्मी जल्दी सही हो जाए और जल्दी उनकी छुट्टी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय।